नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी इस सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी से उनका आमना सामना करा सकती है और उनका बयान दर्ज कर सकती है। वहीं पेशी को लेकर हैदराबाद में के कविता की तस्वीर वाले पोस्टर में बाय बाय मोदी पोस्टर लगाए गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 44 वर्षीय बेटी तुगलक रोड पर अपने पिता के आधिकारिक आवास से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर संघीय एजेंसी के मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे पहुंची। इस दौरान के कविता के समर्थक उनको घेरे रहे। सामने आए वीडियो में कविता के आसपास समर्थक उनको घेरे रहे और नारेबाजी करते हुए नजर आए। ईडी कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है। बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया। ईडी ने कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने संसद के बजट सत्र में लंबे समय से अटके महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को अनशन में शामिल होने के चलते नई तारीख देने का अनुरोध किया था। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता को एजेंसी ने इसीलिए बुलाया है ताकि उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जाए। पिल्लई को इस सप्ताह ईडी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी। उधर अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं और दूसरी ओर बीआरएस एमएलसी के कविता की तस्वीर वाले पोस्टर हैदराबाद में देखे गए। पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की तस्वीर भी छपी है। दोनों नेताओं को इस रूप में दर्शाया गया कि रेड पड़ने के बाद पाक साफ हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।